राजधानी लखनऊ में बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी के नकल विहीन परीक्षाओं को संपादित करने के लिए शासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए दो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन दोनों कंट्रोल रूम में प्रत्येक मंडल, जिला और परीक्षा केंद्र तक पर नजर रखी जा रही है। तो बच्चों की जो है 10th और 12th वालों की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है और ये कक्षाएं जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और काफी स्ट्रिक्टली इनको किया जाता है। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, राजधानी लखनऊ में बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है और इसमें इस बार खास यह है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी के नकल विहीन परीक्षाओं को संपादित करने के लिए जो है विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। तो क्या है ये विशेष मॉनिटरिंग, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए बिल्कुल अस्मिता, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, जो आज जो है संचालित हो रही है। यानी कि जो है कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज 16 फरवरी है, तो उसके लेकर जिस तरीके से केंद्रों की अगर बात करें तो केवल लखनऊ में कुल 127 केंद्र है जिन पर जो है परीक्षाएं हाई स्कूल की हो या फिर इंटरमीडिएट की, वो शुरू हो चुकी है, जिसमें 1,03,725 केवल पूरे राजधानी लखनऊ में जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र और छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि आपने जिस तरीके से इससे पहले भी हमने आपको बताया था, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसमें तकरीबन 58,85,745 छात्र और छात्राएं इस पूरे परीक्षा में यूपी बोर्ड में शामिल होंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा इस पूरे परीक्षा को सफलतापूर्वक नकल विहीन बनाने के लिए एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस राज्य कंट्रोल रूम की निगरानी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में होनी है और उन तमाम जो केंद्र हैं जहां पर बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं उन केंद्रों को सीसीटीवी के माध्यम से जो यहां पर राज्य स्तरीय जो है कंट्रोल रूम है वहां से उनकी निगरानी की जाएगी, ताकि अराजक तत्व या किसी तरीके की नकल विहीन परीक्षा को जो है पूरी तरीके से सफल कराया जाए। अगर हाई स्कूल की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है 31,06,40 के आसपास जो है छात्र छात्राएं हैं और इंटरमीडिएट में लगभग 27 लाख के आसपास जो है छात्र छात्राएं इस बार उत्तर प्रदेश जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठ रही हैं। साथ ही जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ के डीएम सुल्तान गंगवार जो है निरीक्षण पर निकले थे, तमाम उन केंद्रों पर जाकर जो है उन्होंने जो है निरीक्षण किया है कि सफलतापूर्वक जो परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से हो चुके हैं और नकल विहीन परीक्षा को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जो है राज्य मंत्री हैं गुलाबू देवी, उन्होंने प्रेसवार्ता कर जो है राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से जिस तरीके से निगरानी करने के लिए बात कही थी कि नकल विहीन परीक्षा बनाई जाएगी, अगर कोई अराजक से पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल अविनाश, और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स में भी जो है खासा उत्साह है परीक्षा को लेकर। तो अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी प्रकार की नकल या चीटिंग हो सके, क्योंकि प्रशासन काफी स्ट्रिक्ट मोड पर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो जिसमें उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं और 18 मंडल हैं उनकी निगरानी जो है पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं वहां के अलग अलग जो केंद्र है उनकी निगरानी यहाँ राजधानी लखनऊ से पहले ही सुनिश्चित की जा रही थी, जिसको लेकर आज अभी सूर्यपाल गंगवाल कुछ ही देर पहले तमाम जो केंद्र परीक्षा केंद्र है वहां पर पहुंचकर जो है जो व्यवस्था का जायजा लिया है। जिस तरीके से लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही शासन को निर्देश जारी कर चुकी है, उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करें हाई स्कूल या इंटर के छात्र छात्राओं की, तो काफी ज्यादा उत्साह है उन सभी छात्र छात्राओं में। आज पहला दिन है हालांकि, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर तमाम जो नकल विहीन परीक्षा की बात करें तो तमाम जो केंद्र है उनके बाहर जो है प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद है और सुरक्षित तौर पर जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय जो कंट्रोल रूम है वहां से निगरानी करने के लिए यहां पर जो है तमाम तरीके की टीमें लगाई गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, खबर हमने आपको लखनऊ से बताई जहां अब चीटिंग प्रूफ हम कह सकते हैं परीक्षाएं होगी, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट मोड पे प्रशासन है, मॉनिटरिंग की जा रही है और स्टूडेंट्स जो है आज अपनी बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर जो है छात्रों ने दिया। अब देखना खास ही होगा कि कितना कारगर साबित होता है।